राजधानी दिल्ली में सरकार गठन के लिए सियासत फिर तेज हो गई है। बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि यदि मौका मिला तो वो सरकार बना सकती है। एक दिन पहले उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति से बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने की इजाजत मांगी थी, तो वहीं बीजेपी की सरकार बनने की सूरत में मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश मुखी का नाम भी लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उपराज्यपाल के सरकार बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकती है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जो विकल्प सुझाए हैं वो बीजेपी को भी रास आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में जो विकल्प सुझाए हैं उसके मुताबिक दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सरकार बनाने को लेकर सबसे सुरक्षित जरिया हो सकता है। प्रोविजन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट के तहत इसमें दल बदल कानून और ना ही पार्टी व्हिप के भी काम करेगा, लिहाजा बीजेपी भी अब एलजी की तरफ से राष्ट्रपति को सुझाए गए इस विकल्प के जरिए दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है।